With the third phase of polling in Bihar due on 28th October, campaigning is in full swing in the state. The ongoing festival season has only added more fervor and enthusiasm in the leaders' zest to reach out to the voters. The leaders of the two big alliances, the BJP-led NDA and the Nitish Kumar Lalu Yadav and Congress combined Mahagathbandhan, are working day and night to ensure that the tables tilt their way. The NDA leaders continued with their all-round attacks on the Mahagathbandhan, exposing many a chinks in their armor. The repartee from the Grand Alliance camp is also equally sharp and scathing. Many leaders of Mahagathbandhan have stepped up efforts to garner maximum votes. And for more on this, we are joined by our correspondent Ritu Verma. Ritu, there has been a considerable gap between the first, second phases and the third phase. Has it dampened the spirit, or the festive season has just added to not only the enthusiasm of the leaders, but also the enthusiasm of the voters? देखिए, करीब 10 दिन का समय दूसरे चरण से तीसरे चरण के बीच में था, जिसमें दो दिन पूरे तरीके से त्यौहार को समर्पित हो गए हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी और जनता की तरफ से तो हो ही गए हैं। और यही कारण है, जब जनता ने अपने आप को पूरी तरह से त्यौहारों में समर्पित कर दिया, तो राजनीतिक पार्टियों ने भी थोड़ी सी राहत ली है। वो कल का दिन और आज का दिन है। आज एक तरह से दशहरा है, दशहरे में सारे लोग, यहाँ के भी, राजधानी पटना के भी और आसपास के लोग भी त्यौहार के बिल्कुल मूड में हैं। और यही कारण रहा कि राजनीतिक प्रचार भी है, जो दो दिन के लिए एक तरह से थमा है, एक बार फिर 24 तारीख से आपको वही धुआंधार प्रचार दिखाई देगा, क्योंकि तब उसके बाद सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाएंगे जब राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार करेंगी। तमाम स्टार प्रचारक इन 6 जिलों में लगातार दिखाई देंगे। रितु सकल हियर, गुड मॉर्निंग। नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द पॉलिटिकल fight that is on cards when we talk about the significance of the third phase of polling. Particularly what we want to know from you is Raghupur and Maua. I mean, these are the strongholds, traditional strongholds of Rabri, Lalu. And the kind of campaigning we have seen in the last two phases, extremely crucial these two seats are. What are the issues, the main poll plank as far as the third phase and these seats, the crucial seats for two warring factions are concerned? देखिए, तीसरा चरण दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर सबसे पहले बात करें नीतीश नीत महागठबंधन की, तो जिस तरह से आपने भी कहा कि राघोपुर और महुआ लालू प्रसाद यादव की एक तरह से राजनीतिक अस्तित्व का आखिरी दांव कह सकते हैं, क्योंकि 2014 में सकल जब मीसा भारती और राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा, दोनों को करारी हार झेलनी पड़ी। 2010 में राघोपुर से ही राबड़ी देवी को जेडीयू के जो सिटिंग विधायक हैं सतीश कुमार यादव, उन्होंने हराया था। वो एक बड़ी हार थी लालू प्रसाद यादव के लिए। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए राघोपुर से अपने एक बेटे तेजस्वी यादव को और महुआ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। 15-20 साल तक का वर्चस्व राघोपुर में लालू प्रसाद यादव का रहा। उसी दौरान दो मुख्यमंत्री राज्य को मिले, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। लेकिन उसके बावजूद भी सकल, जब हमने उन इलाकों का दौरा किया है, तो जिस तरह से विकास के रूप में पिछड़ा है, यानी 18 पंचायतें राघोपुर प्रखंड की ऐसी हैं सकल, जो टापू पे हैं, मतलब आइलैंड की चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं। आज भी वहां पर लोग नाव से ही जाते हैं। तो ये बदहाल हालत है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली आज भी नहीं पहुंची है। बिजली ही सिर्फ नहीं, न शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो ये एक तरह से हाल है, यहाँ पे उनका वर्चस्व दांव पे लगा है। वहीं महुआ में भी हमने कल दौरा किया था, वहाँ पर तेज प्रताप के लिए भी चुनौती है, न सिर्फ इसी बात की कि 15 साल लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में महुआ को क्या मिला विकास के क्षेत्र में, इसके साथ साथ वहाँ से भी चुनावी मैदान में जो जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं रविंद्र राय, वो जीते थे, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं मिला। और जिस तरह से गठबंधन हुआ था आरजेडी और जेडीयू में, इन दोनों सीटों को लेकर दोनों जीते हुए जो जेडीयू के विधायक थे, उनको ये आभास हो गया था कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर अपना दबाव बना रहे हैं, उसमें ये दोनों क्षेत्र से इन दोनों ही सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। और यही वजह थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उधर हम पार्टी, तो हम और भारतीय जनता पार्टी से उनके इन दोनों बेटों को चुनौती है। जी राइट रितु, थैंक यू वेरी मच। विल हैव टू रैप इट अप। थैंक यू वेरी मच फॉर दोज इनपुट्स। क्वाइट क्लियरली थर्ड फेज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर महागठबंधन एज वेल एज बीजेपी लेड एनडीए देयर इन बिहार, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली बी इंटरेस्टिंग टू सी द इश्यूज ऑन विच द अर्बन वोट बैंक इज गोइंग टू कास्ट देयर फ्रेंचाइज ऑन 28th ऑफ अक्टूबर। नाउ